हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्लोकी इनू कॉइन के बारे में। एंड फ्लोकी इनू के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ जहाँ पे आ चुका है एंड और भी सारे न्यूज़ जो है 30 सितंबर को यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आप लोगों ने पहले से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं एंड हमने इसके ऊपर ऑलरेडी आप लोग को वीडियो दिया था कि फ्लोकी इनू को थोड़ा सा आप लोग बाय कर लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा न्यूज़ जो है आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ न्यूज़ एंड अपडेट है जिसके ऊपर अपडेट देंगे, प्लस आप लोग को टेरा क्लासिक एंड टेरा क्लासिक को अभी के टाइम पे देखेंगे तो 26 की सीरीज के अंदर आ चुका है, 10% डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। एंड रैंकिंग अगर आप लोग देखेंगे 31 रैंक के ऊपर अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वॉल्यूम को लेके आ चुका है। एंड वॉल्यूम अगर आप लोग देखेंगे तो 1 बिलियन से 2 बिलियन के आसपास जो है वॉल्यूम पहुंच गया था, लेकिन अभी के टाइम पे 793 मिलियन जो है लगभग वॉल्यूम हो चुका है। 65% वॉल्यूम के अंदर गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। एंड 31 की सीरीज से लगभग यहाँ पे 26 सीरीज तक जो है डंप हो चुका है। वो क्यों हुआ है जिसके ऊपर अपडेट देंगे। एंड अगर आप लोगों ने कल के हमारा सुबह की वीडियो देखा होगा तो आप लोग को जो है प्रॉफिट एक हो गया होगा एंड अभी के टाइम पे एक बाइंग रेंज के अंदर आ चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं क्या कुछ न्यूज़ एंड अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेरा क्लासिक के ऊपर बात करते हैं एंड टेरा क्लासिक की 26 की रैंक चल रहा है। एंड जो सबसे बड़ा इशू है अभी के टाइम पे टेरा क्लासिक के ऊपर वो है डू नो को लेके। एंड डू नो को लेके यहाँ पे क्या रिपोर्ट निकल के आ रहा है, तो देखिए बेसिकली बात करें 3313 बिटकॉइन जो है इन्होंने सेल करने की कोशिश किया है, जहाँ पे ओकेक्स एंड कूकन एक्सचेंज की अंदर जो है इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। कूकन के अंदर लगभग 1354 BTC जो है इन्होंने सेंड किया एंड यहाँ पे 1959 BTC जो है ओकेक्स प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेंड किया। तो इसको जो है यहाँ पे फ्रीजिंग करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं जो है लगभग तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो 67 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है यहाँ पे डू नो सेल करने की कोशिश किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर एक नया पैनिक जो है हम लोग को देखने को मिला। और उसके बदले जो है यहाँ पे डू नो ने उसकी सफाई यहाँ पे रखा है। लेकिन इनका बोलना है कि यहाँ पे जो है ये बिल्कुल मिस इंफॉर्मेशन है एंड इसको जो है स्प्रेड किया जा रहा है, हमने कोई कैश आउट जो है ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर लग रहा है तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे झूठा है, इसका ये बोलना है। अभी तो हम लोग को तो यहाँ पे पता नहीं है, हालांकि इसकी जो है एड्रेस भी यहाँ पे शेयर किया गया है, आई हैव यूज कूकन एंड ओकेएक्स एट लास्ट ईयर। तो ये इसका बोलना है कि हम लोग मैंने जो है अभी तक यहाँ पे 1 साल हो गया कूकन एंड ओकेएक्स को अभी तक यूज नहीं किया एंड ये जो है एक रूमर यहाँ पे फैलाया जा रहा है, तो ये न्यूज हो सकता है। तो देखिए अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी एड्रेस इन्होंने दिया है कि इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है तो जिसके ऊपर इन्होंने पूरा डिटेल्स में दिया है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर डूनो के पास में इतना इलीगल मनी है या तो इन्होंने जो भी किया है तो उसको अरेस्ट ही कर लीजिए। पहले बार जो पिछले बार हमने भी सुना था अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको अरेस्ट ही नहीं किया, अब यहाँ पे फिर से निकल के आ रहा है। तो ये जो है रूमर है जो मार्केट के अंदर फैलाते हैं, तो इसके अंदर जो है कोई लूनासी के अंदर इतना कुछ खास फर्क जो है आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा सा जो है इसकी जैसे को फाउंडर था इसकी वजह से जो है इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए ये एक कम्युनिटी टोकन अभी के टाइम पे बन चुका है एंड इसके ऊपर इतना जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए डंप होने के लिए कोई ना कोई तो वजह यहाँ पे चाहिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रूमर यहाँ पे फैलेगा। अगर यहाँ पे डूनो के पास में इतना फंड है तो यहाँ पे अरेस्ट उसको क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक मुद्दा है जिसको आप लोग को सोचना चाहिए। व्हिच मेजर एक्सचेंज विल लिस्ट लूना फास्ट, तो यहाँ पे इनकी कम्युनिटी की ये चाहते हैं कि यहाँ पे कॉइनबेस एंड रॉबिनहुड के ऊपर जो है यहाँ पे फिर से जो है लूनासी लिस्ट हो जाए। तो देखिए ये अभी प्रोबेबिलिटी है, तो ये देखते हैं आगे जाके क्या कुछ यहाँ पे होता है। तो लूनासी के ऊपर जो है अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक ही वजह यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है लूनासी के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला है। ऑल दो मार्केट कैप अगर आप लोग देखेंगे 916 बिलियन तक यहाँ पे मार्केट कैप आ चुका है, तो मतलब यहाँ पे जो मनी था वो लगभग यहाँ पे थोड़ा सा डंप होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे लूना की अगर बर्निंग मैकेनिज्म को अभी देखेंगे, 10.2% लगभग स्टेकिंग के अंदर जा चुका है एंड बर्निंग को अगर आप लोग देखेंगे 2 बिलियन से एबव यहाँ पे ऑन चेन बर्निंग जो है यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे बर्निंग की जो स्पीड है वो कितना हाई स्पीड के अंदर यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे बताया था कि काल के वीडियो के अंदर आप लोग को भी बताया था एंड ये जो चार्ट आप लोग को दिख रहा है
200 EMA जो है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। इसके नीचे अभी के टाइम पे कैंडल जो है कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए एक और कैंडल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हमने 1 hours की चार्ट को लिया है एंड यहाँ पे देखिए 27 की सीरीज तक यहाँ पे गया। फिर से जो है ये एक डंप, बड़ा डंप हम लोग को 25 तक आप लोग को देखने को मिला कुकन एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से जो है 200 EMA के ऊपर आ गया। एंड जब तक यहाँ पे 200 के ऊपर रहता है तो यहाँ पे कोई घबराना नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग को कोई बाइंग भी नहीं करना, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। 25 या तो आप लोग 24 की सीरीज में आप लोग को अगर मिले तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाय कीजिए। एंड हमने जैसे कल की स्ट्रैटेजी आप लोग को शेयर किया था कि इसके अंदर ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, अगर आप चाहे तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं अभी के टाइम पे। तो चलिए अभी की बात करते हैं फ्रोकी इनो के बारे में। एंड फ्रोकी इनो के अंदर जो है अभी देखेंगे तो अच्छा खासा सर्चेस के अंदर यहाँ पे आ चुका है। एंड वॉल्यूम को अगर आप लोग देखेंगे 3 मिलियन से अबव वॉल्यूम यहाँ पे चला गया है। 2735 नंबर रैंक के ऊपर आ चुका है, 3 to 4% की अपसाइड की मूवमेंट। एंड यहाँ पे 76 से डायरेक्ट जो है 82 की सीरीज तक यहाँ पे पंप हो गया। तो अपडेट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मल्टी चेन है उसको अभी के टाइम पे यहाँ पे फ्लोकिनो बाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया है 21 hours ago। एंड नेक्स्ट अगर जो मेन न्यूज है यहाँ पे 13 hours ago यहाँ पे आया है, फ्लोकिनो नाउ ऑफिशियली लाइव एंड ट्रेडिंग Bluebit.io के ऊपर जो है फ्लोकिनो यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्राइस के अंदर हम लोग को हाईलाइट देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं फ्लोकिनो के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ जो है यहाँ पे अक्टूबर मंथ के अंदर आने वाला है। एंड आप लोगों ने अगर अभी के टाइम पे भी बाय नहीं किया तो थोड़ा सा डीप में देखिए आप लोग बाय कीजिएगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को देके जाएगा। एंड कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है इसका ब्लू टिक अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। एंड ये जैसे आता है तो इसके ऊपर एक जो है बहुत ही मेजर हाइप यहाँ पे बनेगा, क्योंकि देखिए इसका टोटल सप्लाई कितना है ये सारा जो है यहाँ पे अपडेटेड जैसे हो जाएगा तो मार्केट के अंदर जो है फिर से मनी इसके अंदर आएगा। एंड इसकी टोकन की सप्लाई बहुत ही कम है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोकन की सप्लाई बहुत ही कम है। एंड इसके अंदर न्यूज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा न्यूज जो है इसके अंदर पेंडिंग है। 30 सितंबर को इसके अंदर मेजर न्यूज भी यहाँ पे आने वाला है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो दिया था। एंड उस वीडियो का लिंक जो है आप लोग को आई बटन के ऊपर दे देंगे। एंड अभी के टाइम पे यहाँ पे बाय मत कीजिए, वेट कीजिए, अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मिलता है तो आप लोग यहाँ पे बाय कीजिएगा। एंड जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देख के बाय किया होगा तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। तो देखिए सबसे मेजर जो अपडेट है फ्लोकिन के ऊपर अभी के टाइम पे Bluebit.io के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है। एंड यहाँ पे क्रॉस चेन जो है मल्टी चेन को इन्होंने सपोर्ट किया है, ये दो न्यूज अभी के टाइम पे है। एंड नेक्स्ट न्यूज जो है आप लोग को यहाँ पे 30 सितंबर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड टिकटॉक के ऊपर जो है इनकी प्रमोशन यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत कुछ इनके अंदर हो रहा है। अगर इसकी ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये था कुछ अपडेट टेरा क्लासिक एंड फ्लोकिनो के ऊपर। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।